हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो फ्रेंड्स, सी टेट की EBS में हमने कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जो कि इम्पोर्टेंट थे, और आज हम साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक करेंगे जो कि जनरल साइंस होती है, क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके जो कि स्टेट लेवल के टेट होते हैं, जैसे कि एस टेट हो गया, पी टेट हो गया, आर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट लेवल के जो टेट होते हैं उनमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड। सो एक बात मैं और बता दूं कि जो जनरल साइंस से रिलेटेड हम जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके KVS एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि जो KVS में 80 नंबर का सेक्शन हो अलग से इन्होंने डाल दिया है, थर्ड सेक्शन, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि 80 नंबर का ये सब्जेक्टिव कंसर्न होगा, तो उसमें आपको एक पोर्शन अलग से साइंस का मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें जनरली जनरल साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये KVS के एग्ज़ाम के लिए भी आपको मींस हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है सेल। तो इसमें हम सिंपल कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, तो कोशिका की पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से हर चीज़ को समझ लेना, और अगर नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर। तो बेसिकली सेल होता क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो हमारा शरीर होता है, तो हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की छोटी से छोटी सेल एक वह इकाई होती है, मींस यूनिट होता है, जिससे मिलकर हमारी बॉडी पूरी बनी होती है। तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं कि यह हमारे शरीर की एक संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई हम इसको बोलते हैं, क्योंकि जनरली आपने ये डेफिनेशन सुनी ही होगी सेल के बारे में कि यह एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। लेकिन हम इसको संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों बोलते हैं इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। देखो, संरचना मीन्स हमारे शरीर की जो संरचना है, मीन्स बनावट है, वो कोशिकाओं के द्वारा ही हुई है। और जो अगर मैं बात करूँ इसके कार्यात्मक की, मीन्स इसके फंक्शंस की, तो जो कि हमारी पूरी बॉडी है, तो जो उसके फंक्शंस हैं वो इन्हीं कोशिकाओं पर निर्भर करते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है इसमें कि यह एक छोटी से छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, या हम इसे छोटे एक छोटा सा पार्टिकल कह सकते हैं कि ये पार्टिकल किसी दूसरे अन्य बहुत से अन्य पार्टिकल के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, मीन्स मैं सेल की बात करता हूँ, कि ये एक छोटे से छोटा यूनिट होता है जो दूसरे यूनिट्स के साथ मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तक। तो ये उत्तकों का निर्माण करते हैं, और बाद में ये जो टिश्यू होते हैं, मींस टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, ये आपस में मिलकर एक टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, मींस एक उत्तक तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो ये आगे फिर जो टिश्यू सिस्टम होता है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन्स बनाते हैं, और आगे ऑर्गेन्स मिलकर मींस क्या करते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेन सिस्टम होता है, ये हमारी पूरी बॉडी की एक संरचना ही होती है। मींस हमने ये क्या पढ़ा इसमें कि जो सेल होते हैं, सेल से मिलकर क्या बने, टिश्यू बने, और टिश्यूज से मिलकर क्या बने, टिश्यू सिस्टम बना, और टिश्यू सिस्टम से मिलकर क्या बना, मींस ऑर्गेन, और ऑर्गेन का आगे क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, और इसी सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं कि यही सिस्टम हमारी एक पूरी बॉडी होती है, ठीक है। सो जो मींस हमारे पास एक पार्टिकल आया जो वो सेल ही था, तो इसके माध्यम से ही हमारी पूरी बॉडी बनी, इसलिए इसको कह सकते हैं कि यह एक संरचनात्मक इकाई। सो अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, तो हम एक ब्लड ले लेते हैं, कि जैसे कि एक ब्लड एक ऐसा मींस एक टिश्यू ही होता है जो कि अलग अलग सेल्स, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, इनसे मिलकर के बना होता है हमारा ब्लड। तो ये आगे जो ब्लड होता है, ब्लड को हम लिक्विड, मींस ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मींस ये आपस में जो सेल होते हैं, ये आपस में मिलकर के कार्य करते हैं, तो ये आपस में मिलकर के एक
सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, ये आपको पता होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका संबंध हमारे हार्ट से होता है, ठीक है, तो ऐसे ही तो हार्ट हमारा एक क्या हो गया, ऑर्गेन हो गया। तो ऐसे ही अन्य ऑर्गेन्स भी इसी तरीके से कार्य करते हैं कि सेल प्लस टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है, तो जिससे हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सी बातें थी सेल से रिलेटेड। तो आगे हम सेल में आपने क्या याद रखना है, तो बस सिंपल सी बात, इसकी फिर वही डेफिनेशन सामने आती है कि यह एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। और अगर सेल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की, सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी इसको कॉर्क के टुकड़े से मींस खोजा था, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी मींस खोज की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी इस मींस यह एक डेड सेल था, मींस मृत कोशिका थी, ठीक है। उसके बाद 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने एक जो कि जीवित कोशिका थी जिसको हम लिव्ड सेल बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसकी मींस खोज की थी। मींस अगर बात आए मृत कोशिका की तो उससे रिलेटेड आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक 1665, और अगर बात आए कि जो कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो वो थे हमारे पास एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो इन्होंने 1683 में इसको खोजा था, ठीक है, और कोशिका को हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देख सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम आगे इसमें आगे हमारे पास है इसमें टाइप्स ऑफ सेल। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकंड है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हिंदी में बोलते हैं अविकसित कोशिका, और यूकैरियोटिक सेल को हिंदी में बोलते हैं विकसित कोशिका, ठीक है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं, तो जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, तो ये एक तरीके के वो सेल होते हैं कि जो कि जनरली किसमें होते हैं, जो कि बैक्टीरिया हो गए, हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है। तो इनमें ज़्यादातर कौन से सेल पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। तो यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो कि केंद्रक होता है, मींस न्यूक्लियस होता है, वो केंद्रक वेल डिफाइन नहीं होता, मींस अच्छे से हम उसको देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें केंद्रक होता ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसमें केंद्रक हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो क्यों नहीं देख सकते, उसका एक रीजन होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसकी एक मींस ऊपर एक उसके परत पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, मींस केंद्रक झिल्ली। तो एक्चुअली इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, तो जिसके माध्यम से हम केंद्रक भी नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इसमें केंद्रक होता ही नहीं है, मींस हम इसको केंद्रक जो केंद्रक होता है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको मींस अच्छे से हम देख ही नहीं सकते माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। तो ये होते हैं मींस प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें आप ये भी याद रखोगे कि इनको एक कोशिका सेल भी बोलते हैं, मींस सिंगल सेल में ये आते हैं। तो सिंगल सेल में क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें जो डीएनए पाया जाता है वह जोड़ों में नहीं पाया जाता, मींस उनके पेयर नहीं होते डीएनए के, तो उसमें जो डीएनए होता है वह सिंगल ही होता है। सो हम इसको मींस एक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी सी बातें आपने याद रखनी है प्रोकैरियोटिक सेल में, कि जिसमें सिंपल सी बात हमने पढ़ी कि इसमें ये ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, मींस उनमें पाए जाने वाले जो सेल होते हैं, ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये सिंगल होते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता, और जो न्यूक्लियस होता है वो हम इसको अच्छे से वेल डिफाइन नहीं कर सकते, मींस उसको देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। तो आगे हमारे पास है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यह कोशिकाएं लगभग प्लांट्स और एनिमल, ठीक है, या फंजाई हो गया, तो इनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें केंद्रक भी होता है और इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है वो भी होती है, ठीक है, मींस इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों पाए जाते हैं। तो इसका डायग्राम आप वीडियो की स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो जो भी मींस हम इसके ऑर्गेनल्स वगैरह पढ़ेंगे कोशिका के, तो हर चीज़ को अच्छे से मींस डायग्राम के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से समझना, पूरा देखना वीडियो को एंड तक, ठीक है। तो
फिर ही आपको पूरा मैटर समझ आएगा कि एक सेल होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है इसको हम बहु कोशिका के नाम से भी बोल सकते हैं, मीन्स ये बहु कोशिकाएँ होती हैं क्योंकि इसमें जो डीएनए होता है वह जोड़ों में पाया जाता है। सो जनरली जो प्लांट्स एनिमल और फंजाई में जो कोशिकाएँ पाई जाती हैं वह कौन सी कोशिकाएँ होती हैं, वह यूकेरियोटिक कोशिकाएँ ही होती है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आगे हम जो कोशिका की एक स्ट्रक्चर होती है उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें मैं आपको एनिमल और प्लांट सेल, जो कि एनिमल सेल हो गया और प्लांट सेल हो गया, तो दोनों को एक साथ लेकर के ही चलूँगा क्योंकि इससे आपको दोनों में जो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या इसमें डिफ्रेंसेज हैं तो इसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है तो हम कोशिका में जो उसके पार्ट्स होते हैं या उसके ऑर्गेनल्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको मीन्स हम स्टार्ट करेंगे। मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनल्स प्लांट्स का भाग होगा तो वो आपको स्पेशली बता दिया जाएगा, और जिस कोशिका के ऑर्गेनल्स के बारे में ये स्पेशली नहीं बताया जाएगा कि ये एनिमल्स सेल में पाया जाता है या प्लांट सेल में पाए जाते हैं, तो वो आप ये समझना कि वो दोनों में ही पाए जाते हैं। मीन्स अगर कोई ऐसा ऑर्गेनल्स आएगा, मीन्स उसका एक ऐसा अंग आएगा कोशिका का जो कि स्पेशली बताया होगा, तो इट मीन्स वो तो उसी का स्पेसिफिक भाग होगा, चाहे वो प्लांट सेल का हो चाहे वो एनिमल सेल का हो। ठीक है लेकिन जिसके बारे में अलग से मेंशन नहीं किया होगा तो ये समझना कि वो दोनों में ही पाए जाते हैं, मीन्स एनिमल सेल में भी पाया जाएगा वो प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। तो आगे ये चीज़ आप समझ जाओगे, कोई बात नहीं, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनल्स आता है वो है सेल वॉल, तो इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो वीडियो की स्क्रीन पर। ठीक है तो इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, तो जो कि कोशिका भित्ति होती है, तो ये मैं स्पेशली आपको बता देता हूँ, जो यह केवल आपने याद रखना है कि जो कोशिका भित्ति है यह केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, मीन्स यह पादप कोशिका का ही भाग है, पौधों में ही पाया जाता है। जो ये कोशिका का मीन्स ऑर्गेनल्स है ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है तो एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। हाँ जी, तो जो एक कोशिका भित्ति है मीन्स सेल वॉल है, तो ये होती क्या है, तो यह एक हार्ड कवरिंग लेयर होती है किसी भी प्लांट सेल की, जो कि उसका एक मीन्स बाह्य आवरण बनाती है, मीन्स प्लांट सेल को एक मजबूती प्रदान करती है, हम ये कह सकते हैं। तो यही इसका मेन फंक्शन होता है, जो कि एक प्लांट सेल को उन्हें मजबूती देना और एक उनको पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है, मीन्स एक विशेष ढांचा देती है। ठीक है तो यह एक ऐसा बाह्य आवरण है जो कि किसी भी जो कि बाहरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वे मींस उनको कोशिका के अंदर एंटर करने से क्या करती है, मींस यह एंटर नहीं होने देती। जो सेल वॉल होता है इसकी मुख्य विशेषता यह भी है कि यह एक मींस उन मॉलिक्यूल्स को एंटर नहीं करने देती जिनकी मींस प्लांट सेल को जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो सेल वॉल होते हैं इसमें एक छोटे छोटे, हम ये कह सकते हैं कि एक छेद पाए जाते हैं जिसको हम रंध्र बोलते हैं हिंदी में, और या हम इसको ये सिंपली हम इसको होल बोल सकते हैं। ठीक है तो छोटे छोटे होल पाए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करती हैं सेल के अंदर बाहर आने जाने की परमिशन देता है, ठीक है, जो कि सेल वॉल होती है। तो जो कि ये रंध्र पाए जाते हैं इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और यदि हम प्लांट के सेल की बात करें, सेल वॉल की बात करें, तो ये सेल्यूलोज प्लस प्रोटीन की बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस प्रोटीन की। परंतु अगर हम फंजाई की बात करें तो जो कि फंजाई में जो सेल वॉल होती है यह एक काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो यह सेल्यूलोज प्लस प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन अगर फंजाई के सेल की बात करें, सेल वॉल की बात करें, तो यह ओनली काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। परंतु यदि बैक्टीरिया की बात करें, जो कि बैक्टीरिया होते हैं, तो उनके सेल वॉल की बात करें तो यह पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, या हम इसको मोराइन भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे सेल वॉल से रिलेटेड, जिसमें हमने क्या किया कि ये उन मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने से रोकती है जिनकी मीन्स प्लांट सेल को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, तो जो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें हमने पढ़ा था प्लाज्मोडेस्माटा, तो जो इसमें ये रंध्र पाए जाते हैं, ये होल पाए जाते हैं, तो ये उन पर्टिकुलर मीन्स जो मॉलिक्यूल होते हैं, मीन्स इनके जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये अंदर बाहर जाने की परमिशन दे देते हैं।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि सेल वॉल से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्या कर देना, लिख लेना, याद कर लेना। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मींस कोशिका झिल्ली। तो यह कोशिका झिल्ली प्लांट्स और एनिमल्स सेल दोनों में ही पाई जाती है, ठीक है। यह दोनों में पाई जाती है, ये चीज़ आप याद रखोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति हमने अभी अभी डिस्कस किया था कोशिका भित्ति के बारे में, जो कि केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति होती है, तो यह किससे कवर होती है, यह मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अब हम पढ़ रहे हैं, यह इससे कवर होती है, ठीक है। तो जो कि हमने कोशिका भित्ति में मॉलिक्यूल का आदान प्रदान पढ़ा था, कि जो मॉलिक्यूल्स जिनको मींस विशेष जिनकी ज़रूरत होती है पौधों को, तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को आने जाने में परमिशन देती है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये भी उन मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल में, तो क्योंकि यह एनिमल सेल में भी पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका मेन फंक्शन एनिमल सेल में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मींस उनका आदान प्रदान करने में हेल्प करना, ठीक है। तो यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यह लिपो प्रोटीन की बनी होती है, लिपो नामक का एक प्रोटीन ही समझो आप, तो यह लिपो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप किससे याद रखोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड आपने याद रखनी है, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो ऑर्गेनल आता है, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अंतद्रव्यी जालिका। तो इसकी स्ट्रक्चर आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसको कोशिका का कंकाल तंत्र भी बोला जाता है। तो फर्स्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसको कोशिका का कंकाल तंत्र भी बोला जाता है, मीन्स स्केल्टन सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन की बात करें, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यह एक हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का कार्य करता है, ठीक है। मींस ट्रांसपोर्टिंग मीडियम हम ये कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, लेकिन किनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके दो सिरे होते हैं, ठीक है। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, तो आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो दूसरा जो सिरा होता है, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है। पहला सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और जो दूसरा सिरा है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनको केंद्रक में क्या करना, सीधे ही भेज देना, डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सीधे केंद्रक में चले जाते हैं। मींस उनको अलग से पहले कोशिका में एंटर नहीं करना पड़ता, वो हम ये कह सकते हैं कि सीधे ये एक पाइपलाइन है जो कि सीधा मॉलिक्यूल्स को किस में भेज देती है, न्यूक्लियस में, केंद्रक में भेज देती है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वह पहले कोशिका द्रव्य में एंटर करते हैं, ठीक है, फिर कहीं जा कर के उनको मींस केंद्रक में जाना पड़ता है। लेकिन जो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो सिरे होने के कारण, जो कि अलग अलग किससे जुड़े होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इन्हीं के थ्रू होता हुआ मॉलिक्यूल कहाँ चला जाता है, मींस केंद्रक में चला जाता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह टू टाइप्स का होता है। एक इसमें फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको मैं दिखा दूंगा, एंड सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पे आप राइबोसोम्स देख सकते हो कि ये इस स्ट्रक्चर में जो डॉटेड आपको दिखाई दे रहे हैं, दाने से आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये बेसिक ये है क्या, ये राइबोसोम्स ही होते हैं। तो जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर जो कि राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं, जिसके कारण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बना देते हैं, रफ बना देते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें राइबोसोम्स नहीं लगे होते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका कार्य प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को संश्लेषण करना है, मींस प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण करना, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, तो इसका मेन फंक्शन है लिपिड मॉलिक्यूल को संश्लेषित करना, ठीक है।
अब हमने इसमें सिंपल सी ये बातें पढ़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि यह एक कंकाल तंत्र है, ठीक है, यह ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जो कि मैंने आपको बता दिया था क्योंकि इसके दो सिरे होते हैं और ये टू टाइप्स का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो कि रफ एरिया है वो किसके कारण रफ हुआ है, वो उसमें राइबोसोम्स लगे हैं, ठीक है, तो राइबोसोम्स के कारण रफ हुआ है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एरिया है तो अगर उसकी बात करें तो उसमें राइबोसोम्स नहीं लगे हैं, ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक है इससे आप याद रखोगे कि ये मीन्स जो कि प्रोटीन होता है उन मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, उनको संश्लेषित करता है, ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसको संश्लेषण करता है, ये लिपिड को संश्लेषण करता है, ठीक है। तो ये आप सारी स्ट्रक्चर वीडियो की स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है ऑर्गेनल्स उसका नाम है गॉल्जी बॉडी। तो इसका मीन्स आप इसको भी आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसकी खोज अगर सबसे पहले इसकी खोज किसने की ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास है कैमिलो गॉल्जी, ठीक है, तो कैमिलो गॉल्जी ने इसकी खोज की। तो इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है, तो ये आप याद रखोगे गॉल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, तो क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य होता है जो कोशिका में फैट होता है बसा होता है, ठीक है, तो उसको स्टोर करना होता है, मीन्स बसा का संचय करना। तो इसका एक और नाम भी है जो है पैकेजिंग फैक्ट्री। देखो एक हमने किया ट्रैफिक पुलिस, दूसरा हमने पैकेजिंग फैक्ट्री। तो पैकेज मीन्स करना होता है, तो किनको पैकेज करती हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं उनको मीन्स कवर करती हैं, ठीक है, मीन्स उनको पैक कर देना, ठीक है, तो इसलिए इसको पैकेजिंग फैक्ट्री भी बोलते हैं। यह दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल को कंबाइन करके मीन्स उनका एक सेट बना देती है, ठीक है, तो इसलिए इसको एक मीन्स हम ये कह सकते हैं पैकेजिंग फैक्ट्री बोल सकते हैं। तो जैसे प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल को कंबाइन करके ये क्या करती है, लिपोप्रोटीन बना देती है। ये एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं कि प्रोटीन और लिपिड के दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करके ये क्या करती है, लिपोप्रोटीन में पैक कर देती है, ठीक है। तो ये गॉल्जी बॉडी के फंक्शन थे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप याद रखोगे कि इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने की, इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है गॉल्जी बॉडी को, और सेकंड इसको पैकेजिंग फैक्ट्री भी बोला जाता है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने याद रखना है कि इसको ऊर्जा घर भी बोलते हैं, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी छोटी कक्षाओं में। तो इसको पावर हाउस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कि भोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो फूड ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये हेल्प करता है। बट इसमें ये चीज़ आप नोट कर लेना कि इसमें केवल कौन से भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, केवल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, तो ये उन्हीं का ऑक्सीकरण करता है, उन्हीं को ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अब होता क्या है, ऑक्सीकरण एक रिएक्शन होती है जो कि मींस एटीपी, जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, मींस यह एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो यह एटीपी एक एनर्जी का ही रूप मान लो आप कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एटीपी क्या होता है, तो एटीपी एक एनर्जी ही होती है, इसलिए तो हम पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि यह है क्या, एनर्जी मींस ऊर्जा, ठीक है। तो मींस आप ये समझें कि ये रिएक्शन एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषताएं थी कि इसमें इसको ऊर्जागर बोला जाता है, और ऊर्जागर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन एनर्जी को स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसको हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो यह भोजन का ऑक्सीडेशन करता है। और लेकिन भोजन के ऑक्सीडेशन में आपने याद रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट ये ऑक्सीडेशन करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है भोजन में, जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो, तो उसमें मेन जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ही यह क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखनी है। आगे नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारे पास जिसका नाम है प्लास्टिड।
तो अब मैं प्लास्टिड के बारे में बता दूं कि ये केवल जो प्लास्टिड लवक होते हैं, इसको हिंदी में लवक बोलते हैं, ये केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना कि जो लवक हैं वह प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, मीन्स सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में ही आपको ये प्लास्टिड मिलेंगे। तो यह तीन प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप आती है ल्यूकोप्लास्टिड, सेकंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड है हमारे पास, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आप जानती होंगे, लेकिन हम इसमें जो बेसिकली तीन प्लास्टिड होते हैं, तीन लवक होते हैं जो कि प्लांट सेल होते हैं, तो ल्यूको, क्रोमो और क्लोरो। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा लवक है, मैं फर्स्ट की बात करता हूँ ल्यूकोप्लास्ट, तो यह एक ऐसा लवक है जो कि पौधों के जो रंगहीन भाग होते हैं, कलरलेस भाग होते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम प्लांट सेल में इसका मुख्य कार्य क्या होता है जो कि ल्यूकोप्लास्ट का, भोजन को स्टोर करना, जैसे आलू के रूप में, शकरकंद के रूप में, या गन्ना हो गया, ठीक है, तो एक्सेट्रा, इस तरीके से आप बहुत से मीन्स ऐसे प्रोडक्ट देख सकते हो जो कि भोजन के रूप में ही होते हैं। ठीक है, तो आलू को हम सीधा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये एक भोजन के रूप में ही हमें मिलता है, तो ये ऐसे मीन्स भाग हैं जो कि भोजन के, जो कि भोजन के रूप में होते हैं, और ये किस में आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में आते हैं, और ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये पौधों के लगभग रंगहीन भाग होते हैं, मीन्स इनका कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं होता। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में पौधों के ये वे भाग होते हैं जो कि रंगदार होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टमाटो हो गया, बैंगन हो गया, गाजर हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मीन्स किसके एग्जांपल के रूप में हम कह सकते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, अगर गाजर व मिर्च के रंग की बात करें तो इसका, इसमें कौन सा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है। अगर टमाटर के रंग की बात करें तो इसमें लाइकोपीन नामक का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर मैं चुकंदर की बात करूं, क्योंकि ये भी कलरफुल होती है चुकंदर, तो इसमें बिटानिन मीन्स क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो यह बिटानिन के कारण होती है। और अब बैंगन की बात करूं तो इसमें जैंथोसाइनिन होता है। तो जो हमने ये किया, कैरोटीन, लाइकोपीन, बिटानिन, जैंथोसिन, ये सारे क्या हैं, ये क्रोमोप्लास्ट ही हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आगे जो हमारे पास थर्ड टाइप आता है प्लास्टिड का, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। तो इसके बारे में तो आपने छोटी कक्षाओं में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप जानती हो, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो उसमें यह सहायता करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, तो अब इसमें आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो प्लांट सेल का जो कि हरित लवक है, इसको मीन्स किचन रूम भी बोला जाता है, मीन्स रसोई घर। ठीक है, तो हरित लवक को रसोई घर बोला जाता है। पौधों जो कि पौधों का लगभग हरा रंग है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। जो पौधों का हरा रंग होता है, मीन्स जो उसमें ग्रीनरी पाई जाती है, वह क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट का एक मुख्य अवयव मीन्स कंपोनेंट आप याद रखोगे, क्लोरोफिल, इसमें मुख्य क्लोरोफिल पाई जाती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल में मुख्य मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, तो इसका अगर मेन फंक्शन की बात करूं तो यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करना, भोजन का निर्माण करना होता है। ठीक है, जो कि सूर्य की प्रेजेंस में होता है, सूर्य की उपस्थिति में यह प्रोसेस पॉसिबल होती है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छे से जानती हो। तो एक बात और इसमें याद रखनी है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो इसका भी अलग से अपना डीएनए होता है। ठीक है, मींस अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के, हमने लास्ट पढ़ा था, तो उसका भी अपना डीएनए होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है, यह सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, जो हमने प्लास्टिड पढ़े, तो ये सिर्फ पौधों में ही पाए जाते हैं। तो इसमें जो हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, ठीक है, तो उसका भी अपना अलग से डीएनए होता है। तो ये तीनों प्लास्टिड मीन्स ल्यूकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड और क्लोरोप्लास्टिड, तो ये तीनों किसका भाग हैं, ये पौधों का ही मीन्स भाग हैं।
फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इसी वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी से आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मीन्स इस चैनल को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा टैट से रिलेटेड। ठीक है, तो यदि आप टैट अपना क्लियर करना चाहते हो तो अपनी अच्छे से स्टडी करो, इस चैनल को अच्छे से देखो, क्योंकि हर वीडियो में आपको एक अलग से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि टैट से रिलेटेड होगी, कोई अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड हम इसमें कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में, अगली सीरीज़ इसकी प्रोवाइड कर देंगे, इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।